सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और वेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर 100 रुपए के कैशबैक के साथ आपको और भी अच्छे ऑफर मिल जाएंगे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मार्केट के रिपोर्ट कार्ड के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज यानी 11 जनवरी 2022 के दिन मार्केट में क्या हाल रहा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो जरूर करें, जहां पर न्यूज अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। देखिए निफ्टी की बात करें तो इसकी शुरुआत कल के क्लोजिंग लेवल के आसपास होती हुई नजर आई थी, उसके बाद ये कल की क्लोजिंग से भी नीचे जाता हुआ नजर आया, लेकिन निचले स्तरों से बढ़िया उछाल देखने को मिला और देखिए 52.2 पर करीब 0.29% की तेजी के साथ इसकी क्लोजिंग होती हुई नजर आई। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो इसकी शुरुआत हल्की सी गैप अप ओपनिंग के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद ये कल के क्लोजिंग लेवल से काफी ज्यादा नीचे जाता हुआ नजर आया और उसके बाद आप देख सकते हैं निचले स्तरों से बढ़िया उछाल देखने को मिला और देखिए इसकी क्लोजिंग करीब 94.2 पर 0.25% की तेजी के साथ होती हुई नजर आई। यानी कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों में ही हल्की हल्की तेजी आज के दिन देखने को मिली। अब देखिए निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में करीब 21 स्टॉक ऐसे थे जो ग्रीन जोन में ट्रेड करते हुए नजर आए, लेकिन 29 स्टॉक में आज के दिन बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 7 स्टॉक ऐसे थे जो ग्रीन जोन में ट्रेड करते हुए नजर आए, वहीं 5 स्टॉक में आज के दिन बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पर निफ्टी के टॉप गेनर टॉप लूजर की बात करें तो टॉप गेनर में टॉप पर था HCL टेक, जिसमें करीब 4.25% की तेजी देखने को मिली। वहीं अडानी पोर्ट आज करीब 3.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया। HDFC बैंक की बात करें तो करीब 2% की तेजी इसमें भी देखने को मिली। ONGC करीब 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। वहीं टेकम में करीब 1.25% की तेजी देखने को मिली। वहीं टॉप लूजर में टॉप पर था JSW स्टील, जिसमें करीब 4% की गिरावट देखने को मिली। टाटा स्टील करीब 3.25% के आसपास गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। वहीं BPCL में भी आज करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली। कोल इंडिया में बात करें तो करीब 1.25% की गिरावट थी। वहीं अगर बात करें हिंडालको की तो इसमें भी करीब 1.25% की गिरावट देखने को मिली। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं सभी स्टॉक काफी दोनों तरफ का यहां पर मूवमेंट आज के दिन देखने को मिला। वहीं बैंक निफ्टी के टॉप गेनर टॉप लूजर की बात करें तो टॉप गेनर में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि करीब 5.25% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। अभी करीब 15 दिन पहले इसमें भारी गिरावट चल रही थी और ये स्टॉक करीब 950 तक जाता हुआ नजर आया था और काफी बढ़िया रिकवरी निचले स्तरों से आई है और आप देखें अभी करीब 1300 पर ये ट्रेड कर रहा है। यानी कि काफी बढ़िया उछाल यहां पर निचले स्तरों से इस शेयर में देखने को मिला है। RBL बैंक की बात करें तो इसमें देखिए बैड न्यूज आती रही और ये 130 और 125 रुपए का लो भी बना चुका है और अभी इसमें बढ़िया तेजी बन रही है और कल के दिन भी इसमें करीब 3.5% की तेजी थी, आज भी करीब 1.5% तेजी के साथ ये ट्रेड करता हुआ नजर आया। वहीं अगर बंधन बैंक की बात करें तो ये भी 1.25% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। फेडरल बैंक में भी 1% की तेजी देखने को मिली और स्टेट बैंक भी करीब 0.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया। वहीं टॉप लूजर में टॉप पर था IDFC फर्स्ट बैंक, जिसमें करीब 1% की गिरावट देखने को मिली। वहीं PNB बैंक में भी करीब 1% की गिरावट देखने को मिली। कोटक बैंक करीब 0.5% नीचे था। वहीं इंडसइंड बैंक की बात करें तो 0.31% की गिरावट देखने को मिली। वहीं ICICI बैंक में भी 0.01% यानी मामूली गिरावट देखने को मिली। अब देखिए इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में यहाँ पर देखिए ग्रीन और रेड दोनों ही आज आपको दिखेंगे। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर IT स्टॉक्स की तो ये एकदम लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। वहीं बैंक की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी 0.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया। रियल्टी सेक्टर 0.5% ऊपर था। वहीं गिरावट में बात करें तो PSU बैंक आज काफ़ी ज़्यादा गिरे, करीब 0.22% की गिरावट थी। फार्मा स्टॉक में भी मामूली सी गिरावट देखने को मिली। ऑटो स्टॉक भी मामूली सी गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए नजर आया। मेटल सेक्टर में भारी गिरावट हुई, करीब 2% की गिरावट के साथ इंडेक्स ट्रेड करता हुआ नजर आया। निफ्टी मीडिया की बात करें तो मामूली सी गिरावट इसमें भी थी। वहीं अगर बात करें यहां पर प्राइवेट बैंक की तो ये भी मामूली से उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। ओवरऑल देखें तो मिक्स यहां पर ट्रेंड आज के दिन देखने को मिला। वहीं इंडिया विक्स की, जो कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंडेक्स है जिससे वोलेटिलिटी का पता चलता है, ये भी आज 0.45% ऊपर जाता हुआ नजर आया।
अगर बात करें देखिए आईपीओ मार्केट की, तो दो आईपीओ को और सेबी द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। वारे एनर्जीज लिमिटेड का आईपीओ है और दूसरा यहाँ पर फाइव स्टार फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ है। ये दोनों ही आईपीओ सेबी द्वारा अप्रूव हो चुके हैं और कभी भी मार्केट में ओपन हो सकते हैं अप्लाई करने के लिए। अब देखिए बात करते हैं रीजन ऑफ स्ट्रेंथ। तो जैसे कि आपको पता है कि कोविड का कहर है और कोविड का कहर धीरे धीरे हटता हुआ नजर आ रहा है। उसके लिए दवाई है, बूस्टर डोज है और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इस बार केस बढ़ रहे हैं लेकिन उतनी तादाद में लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं, घर पे ही ठीक हो जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है और पॉजिटिव बात है और इसी से मार्केट को नीचे से बूस्ट मिल रहा है और इसीलिए मार्केट आपको दिन प्रतिदिन नए नए हाइस बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपको कोई और रीज़न लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो दिन भर जॉब करते हैं और शाम को मार्केट का हालचाल उनको जानना रहता है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।